तो जी, तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो यहाँ पर आ रही है अपनी। तो क्यों आ रही भैया? तो यहाँ पर मैंने एकांत में जो है कि ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया है, क्योंकि भाई साहब कहीं जाओ तो नॉइस, कहीं जाओ तो मजदूर वगैरह जो है कि मतलब, तो यहाँ पर कोई डिस्टर्ब वाला नहीं है। तो भैया अपन ने डला ली है अपने ट्रैक्टर में सिंपल फाइबर रोड। तो ये जो पेड़ है ये काफ़ी खतरनाक जो है कि वीडियो में दिखेगा। बाकी हालत तो मेरी भी ख़राब है, लेकिन जो आज जो बात होने वाली है वो काफ़ी बढ़िया बात होने वाली है। लगभग 2-3 मिनट इस पर ही भाषण मैंने होने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले अपन ने जो है कि सिंपल फाइबर हुड लाया, तो ये इसको तो काफ़ी सारा मॉडिफाई करना है, क्योंकि भैया अभी टाइम का ये मानो कि मतलब पूछो ही मत, टाइम तो है ही नहीं। तो सबसे पहले इसके सामने अपने को LED डलेगी। बाकी बात करते अपने म्यूजिक सिस्टम की, तो भैया पाइनियर का जो है कि ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम इसमें डलने वाला है। तो उसमें काफ़ी सारा जो कि खर्चा अपना आने वाला है, और खर्चे की तो छोड़ो, जो उसमें मेहनत है, क्योंकि भैया एक तो अपने में जो है कि पूरे इंदौर में घूम लिया, वहाँ पर भी जो है कि सामान अवेलेबल नहीं हो पाया। तो पाइनियर के जो 12-12 D4 आते हैं, और जो निशु भाई के ट्रैक्टर में लगे हुए हैं वही वाले जो है कि कोशिश करूँगा इसमें डलाने की। बाकी पेटी तो बनेगी इतनी बड़ी, इधर से शायद मज़े नहीं आएंगे। तो पेटी तो ये यू पाइप है इतनी बड़ी आएगी, और बाहर निकलेंगे स्पीकर। तो स्पीकर वगैरह तो मैं स्पीकर ले आया हूँ, और एम्पलीफायर भी नहीं आया, क्योंकि भैया ये अपने MP में अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि भैया कौन इतनी माथा पच्ची करे MP में। तो भैया 2 स्पीकर रख लेंगे बोनट पे और चलो भैया चलने दो। तो अभी आया है इनका ट्रेंड जो है कि, लेकिन अपना जो दिमाग है वो सबसे अलग चलता है। तो ट्रैक्टर में कुछ अलग करने का सोच रहे, इसीलिए भैया मैंने इतने जो है कि तत्काल जो है कि फाइबर हुड बदल दिया, क्योंकि उस फाइबर हुड में जो है कि लुक इतनी खतरनाक निकल कर नहीं आती। तो भैया मैं गया था इंदौर, तो वहाँ की भी कुछ क्लिप बताऊंगा मैं आपको, और मैं जो साधन जो सिस्टम जो कि लेकर आया हूँ वो भी मैं आपको जो है कि बताने वाला हूँ। तो इंदौर की जो है कि थोड़ी बहुत क्लिप आप देख लेना वीडियो में कि मैं क्या क्या लेकर आया हूँ और कैसे गया था इंदौर, क्या गया था वो सब देख लो भैया इस वीडियो में। तो यार काफ़ी दिन बाद जो है कि वीडियो अपनी आने आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी मैं गया था इंदौर, वहाँ से होगी शायद पेट्रोल पंप से स्टार्ट होगी अपनी वीडियो। तो चलो अभी फ़िलहाल पेट्रोल पंप से स्टार्ट होगी। लो जी भाइयों, तो अभी अपन आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर। तो भैया पेट्रोल पंप पर क्यों आए हैं? पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाना है। बाकी यार बात करते हैं आज की ब्लॉग की। तो भैया आज अपन बनाने वाले हैं अपनी साउंड की पेटी। तो भैया अभी जो है कि पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि भैया छाँव में जा रहे हैं। बाकी करते हैं बात अपन। तो ये है अपना भाई मोमिन, तो इसको लेकर आए हैं और आज जा रहे हैं भैया अपन इंदौर। और पीछे पेट्रोल पंप का नज़ारा काफ़ी बढ़िया आता होगा। तो इंदौर जा रहे हैं क्योंकि भैया वहाँ से लाने हैं अपने को साउंड सिस्टम। तो वहाँ से साउंड सिस्टम लेंगे, और कौन सा लेंगे क्या लेंगे तो वो तो आगे ही पता चलेगा, तो बने रहे वीडियो में। बाकी रोड का माहौल काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, चलते हैं फिलहाल आगे और करते हैं राइडिंग। लो जी भाई, तो मौसम अपना काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है। बाकी यार ये यहाँ पर लोकेशन मेरे को जो है कि अच्छी दिखी। तो भैया अपन आ चुके हैं इंदौर से करीबन 20 किलोमीटर पीछे। तो अभी फाइनली इंदौर जाएंगे और वहाँ से जो है कि स्पीकर वगैरह लेंगे, और हो सके तो वहीं पर जो है कि फ्लाई लाइट फिटिंग कराएंगे। बाकी अभी तो मसला ये है कि सबसे पहले इंदौर पहुँचे। बाकी यार पीछे काफ़ी बढ़िया माहौल हो रहा है, और मोमिन भाई अपना काफ़ी कन्फ्यूज होते हुए, क्योंकि भैया एकदम मूड हो गया, क्योंकि आज जो है कि अपने को फुर्सत थी। तो भैया मैंने बोला कि चलो आज तो स्पीकर लेकर ही आएंगे। तो अभी आ चुके हैं अपन, और काफ़ी बढ़िया सेटअप अपन बनाने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपन और देखेंगे वहाँ पर क्या स्थिति है, इंदौर में कैसे क्या घूमते हैं, कितना मज़ा आता है। चलते हैं अभी इंदौर। आ चुके हम इंदौर में, और यहाँ पर जो है कि अपने स्टूडियो यानी म्यूजिक प्लेयर को चेक किया जा रहा है।
बाकी यार सॉन्ग में नहीं चला सकता क्योंकि भैया यूट्यूब के जो है कि कॉपीराइट दे देता है। तो यहाँ पर हो रहा है अपना म्यूजिक प्लेयर तैयार। बाकी क्या क्या सामान लिए वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो भैया अपना सामान जो है कि कुछ ही मिला है। तो यहाँ पर पाइनियर के ही स्पीकर मिले हैं, बाकी सब ऊपर हमने मंगाए हैं। तो चलते हैं अब घर। तो आ चुके हैं भैया घर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्लैक बंक का स्टूडियो और वायरिंग और स्पीकर पाइनियर के ओरिजिनल। तो ये एक सेट जो है कि 3100 रुपये 3000 रुपये का है। बाकी इसका जो है कि सीरियल नंबर आप डालकर प्राइस चेक कर सकते हो। बाकी काफ़ी ख़तरनाक ये साउंड है और वाटरप्रूफ है। पाइनियर की ओरिजिनल यहाँ पर ब्रांडिंग। बाकी ये तो निकलने वाले हैं अपने साइट में। बाकी बीच में तो सब ऊपर आएंगे, लेकिन सब ऊपर को हमने ऑर्डर किया है जो कि लगभग 8 दिनों के अंदर आएंगे। बाकी ये वायरिंग 1000 रुपये के भी। लो जी भाइयों, तो पीछे सनराइज़ काफ़ी अच्छा हो रहा है। बाकी आज की वीडियो में आपने देखा कि भैया मैंने काफ़ी सारी माथापच्ची करी। तो भैया पाइनियर के ओरिजिनल जो स्पीकर है वो तो हम ले आए हैं, लगभग 3000 का एक सेट पड़ा है, यानी 2 सेट हो गए 6000 रुपये के। और जो सब ऊपर आएंगे वो 7000 रुपये का एक आएगा। तो और इनको चलाने के लिए जो एम्पलीफायर आएगी वो करीबन आएगी 10000 के लगभग। और एक जो अपना जो स्टूडियो है टेप है वो लगभग आएंगी 4000 रुपये की, वो तो ले आया मैं ब्लैक बंक की। और एक माने तो अपना जो है कि वायरिंग पूरी वो आई है 1000 रुपये की। और उसके अलावा जो पेटी बनेगी वो करीबन बनेगी 5000 के लगभग। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है कि खर्चा आने वाला है, लेकिन भैया बेस तगड़ी आने वाली है। तो काफ़ी भयानक म्यूज़िक सिस्टम बनेगा। और अगर अपन ने इतना इंतज़ार किया है तो कुछ बड़ा ही धमाका होने वाला है। बाकी यार अपना जो फाइबर हुड है वो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि उस फाइबर हुड में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन जो है कि लुक ट्रैक्टर की निखर के नहीं आती, क्योंकि अपन जो स्पीकर डलाने वाले हैं वो साइड में भी निकलेंगे, जिससे जो है कि काफ़ी भाई साहब हाथ हाथ दुखने लग गया, जिसमें जो है कि काफ़ी लुक निखर का नहीं आता और उसमें जो है कि जगह भी कम थी। इसीलिए भैया अपन ने ये मुद्दा उठाया और रातों रात कैनोपी चेंज कर दी। बाकी अपन ने वो 5310 में लगाई है, वो वाली वीडियो भी मैंने जो है कि डाल रखी है। तो अभी अपन जो है काम है, लगभग अपने सब ऊपर आएंगे 1 तारीख के दिन या 1 से 2 तारीख बताइए भैया, तो सब ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी किसी को जो है कि कन्फ्यूज़न हो भैया कि 1212D4 इतने का नहीं आता है, तो भैया फ्लिपकार्ट पर सर्च करो पाइनियर 1212D4 डुअल मैग्नेट में आता है, डुअल कोयल में, तो उसकी प्राइस जो है कि आ जाएगी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में अगली बार, क्योंकि भैया अभी तो काम अपना चल रहा है और इधर मतलब सिंचाई चल रही है, पाणत चल रही है, तो लगभग 1-2 दिन बाद ही टाइम मिल पाएगा तो अपन जो है कि वीडियो लेकर आएंगे। बाकी जाना पड़ेगा फिर से अपने को इंदौर, और वहाँ से प्लाई वलाई बनानी पड़ेगी और पेटी वगैरह बनानी पड़ेगी। तो काफ़ी माथापच्ची होने वाली है, तो एक एक करके पार्ट में बनाने वाला हूँ। म्यूजिक सिस्टम कैसे बनाया, क्या हुआ, सारी जानकारी आपको उस पर ही मिल जाएगी। बाकी यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।